तो हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो G84, रियलमी 11 5G और इन्फिनिक GT10 Pro की। तो चलिए बात करते हैं इनके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में हमको 6.55 इंच की डिस्प्ले मोटो G84 में देखने को मिलती है, वहीं 6.67 इंच की डिस्प्ले हमको इन्फिनिक GT10 Pro में देखने को मिलती है, वहीं 6.72 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है रियलमी 11 5G में। रिफ्रेश रेट की बात करें तो तीनों मोबाइल में हमको 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात किया जाए तो हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मोटो G84 और इन्फिनिक GT10 Pro में देखने को मिलता है, वहीं रियलमी 11 5G में हमको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमरे की बात किया जाए तो 16 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमको रियलमी 11 5G और मोटो G84 में देखने को मिलता है, वहीं इन्फिनिक GT10 Pro में हमको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। बात करें रियर कैमरे की तो 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा हमको देखने को मिलता है मोटो G84 में, वहीं 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हमको देखने को मिलता है रियलमी 11 5G और इन्फिनिक GT10 Pro में। रिजोल्यूशन की बात करें तो 2400x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन हमको तीनों मोबाइल में देखने को मिलता है। तीनों मोबाइल में हमको 3.5mm जैक देखने को मिलती है। और बात करें NFC की तो तीनों मोबाइल में हमको NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलती है। अब बात करें इनके प्रोसेसर की तो मोटो G84 में हमको क्वालकम स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, और वहीं बात करें इन्फिनिक GT10 Pro में तो हमको MediaTek Dimensity 1300 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। Realme 11 5G में हमको MediaTek Dimensity 6100 का चिपसेट देखने को मिलती है। अंतुतु स्कोर की बात करें तो मोटो G84 में हमको 4,20,000 के अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है, वहीं इन्फिनिक GT10 Pro में हमको 7,20,000 अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है, वहीं Realme 11 5G में 5,30,000 का अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है। रैम एंड स्टोरेज की बात किया जाए तो मोटो G84 12256 के वेरियंट में मिलता है, वहीं इन्फिनिक GT10 Pro हमको 8256 के वेरियंट में देखने को मिलता है, 8/128/8/256 के वेरिएंट में Realme 11 5G देखने को मिलता है। OS की बात करें तो तीनों मोबाइल आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 पे हमको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इनके प्राइसिंग की तो मोटो G84 और इन्फिनिक GT10 Pro की प्राइस हमको 20,000 रुपये देखने को मिलती है, वहीं Realme 11 5G की बेस वेरियंट की प्राइस हमको 19,000 रुपये देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था इन तीनों मोबाइल का फुल स्पेक्स कंपेरिजन। आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।